रोहित जी, आप तो सीनियर मोस्ट है इस दुनिया में। कितने साल हो गए रोहित जी खेलते खेलते? 1997 से ऑलमोस्ट 7 ओलंपिक्स खेल चुका हूं मैं। जब सामने वाले खिलाड़ियों से खेलते हैं आप, काफी तो पुराने आपके खिलाड़ी सामने आते होंगे, क्या अनुभव आता है? सर, जब मैं पहले खेलता था 1997 से, तो मेरे हियरिंग लोगों के साथ मेरा कंपटीशन होता था और मैंने बढ़ने की कोशिश की। मैंने ओलंपिक्स खेले, कंपटीशंस जैसे बिल्कुल हियरिंग लोगों के साथ जैसा कंपटीशन होता है, मैंने भी उसमें आगे बढ़ने की कोशिश की और अब तक मैं लगभग हियरिंग कंपटीटर्स के साथ खेल सकता हूँ। अच्छा रोहित, खुद के विषय में बताइए, इस क्षेत्र में कैसे आए, शुरुआत में प्रेरणा कितने दी और इतने लंबे समय से जी जान से खेलते रहना, कभी थकना नहीं? सर, जब मैं बहुत छोटा था तो जब मैं मेरे ख्याल से मुझे याद भी नहीं है कि मैं जब देखता था, मैं बस ऐसे ही माता पिता के साथ चलता था, मैं देखता था, चीज़ें देख के खुश रहता था कि कैसे हियरिंग लोग खेलते हैं, मैं भी चाहता था कि मैं भी खेलूं। मैंने भी वहीं से अपना एम तय किया और फिर आगे बढ़ता चला गया। जी, जब मैं 1997 में मैंने खेलना शुरू किया तो पहले बधिर लोग खेलते नहीं थे, मुझे किसी तरीके का सपोर्ट नहीं मिलता था, बस सांत्वना दी जाती थी। मेरे पिताजी इसमें बहुत सहयोग करते थे, खाना पीना जूस जो भी डाइट चाहिए होती थी उसका बहुत ध्यान दिया करते थे। भगवान की बहुत कृपा रही है तो मुझे भी बैडमिंटन से इसीलिए बहुत प्रिय है। अच्छा रोहित, आप डबल्स में जब खेलते हैं तो आपका पार्टनर, मैंने सुना है महेश, आपसे उम्र में बहुत छोटा है, इतना अंतर है, आप इतने सीनियर हैं तो महेश बहुत छोटा है, क्या आप कैसे उसको संभालते हैं, कैसे गाइड करते हैं, उसके साथ कैसे मैच करते हैं अपने आप को? महेश बहुत छोटा है, 2014 में मेरे साथ खेलना शुरू किया, मेरे घर के पास रहता था, मैंने उसे काफी कुछ सिखाया, कैसे मूवमेंट करनी चाहिए, कैसे हार्डवर्क करना है, डेफलिंपिक्स के लिए कैसे तैयार होना है, तो वो थोड़ा सा रहता है डिसबैलेंस, लेकिन मैं उसको जो भी मैंने सिखाया वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। रोहित जी, हम भी आपके साथ कर देंगे। रोहित जी, आपका जीवन एक खिलाड़ी के तौर पर और एक व्यक्ति के तौर पर, मैं समझता हूं आप में लीडरशिप क्वालिटी है, आप में कॉन्फिडेंस लेवल है और आप किसी चीज से ऊब नहीं जाते हैं, लगातार उसमें चेतना भरते रहते हैं। मैं पक्का मानता हूं कि देश के युवा, उनके लिए आप वाकई बहुत ही प्रेरक रहे हैं। आपने अपने जीवन की बाधाओं से कभी हार नहीं मानी, ठीक है परमात्मा ने कुछ कमी दी, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। आप पिछले 27 साल से देश के लिए पदक जीत रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि आप अभी भी संतुष्ट नहीं है, कुछ ना कुछ करने का जज्बा है जी। और मैं देख रहा हूं कि उम्र बढ़ती है लेकिन साथ साथ आपका प्रदर्शन भी बहुत बेहतर होता जा रहा है। आप अपने टारगेट नए तय करते जाते हो, नए टारगेट को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि खिलाड़ी के जीवन में यही एक गुण बहुत बड़ी ताकत होता है, वो कभी संतोष नहीं मानता है, खुद नए गोल सेट करता है, उस सेट के लिए खुद को खपा देता है और उसी का परिणाम है कि कुछ न कुछ प्राप्त करता रहता है। मेरी तरफ से, पूरे देश की तरफ से रोहित को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं।